तो मेरी जान पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को मैंने 0.25 की स्पीड में 500 बार देखकर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकाली हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में पक्का मिस कर दी होंगी डेफिनेटली। सो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू कर दें। तो ये ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमें जापान की झलक भी देखने को मिलती है, जैसे ये और शायद ये भी जापान के किसी पोर्ट का सीन है। तो यहाँ पर पुष्पा को एक फटा हुआ कागज दिया जाता है, मतलब किसी कागज या नोट का आधा टुकड़ा। अब भाई हो सकता है कि इनके बीच यहाँ कोई डील हुई हो जिसमें ये टुकड़ा अगर पुष्पा किसी और जगह दिखाएगा तो उसका काम हो जाएगा। अब ये एक कोड वर्ड हम मान सकते हैं। बाकी इस सीन में पुष्पा को उल्टा लटकाया हुआ है एंड यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो पुष्पा के पास से वो टुकड़ा गिर जाता है। तो भाई डेफिनेटली ये बंदे जिन्होंने पुष्पा को यहाँ पर लटकाया है ये इसी टुकड़े के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर पुष्पा इनकी बैंड बजा देता है। बाकी मेरी जान नोटिस करने वाली बात ये है कि पुष्पा जापान कौन सी डील करने आया है। तो अगर आपको याद है तो पुष्पा पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की रियल कहानी बताई जाती है कि एक्चुअल में ये लकड़ी काम की आती है। तो भाई जापान में इस लकड़ी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जिनकी की डिमांड एंड प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये लकड़ी जापान में नहीं मिलती बल्कि वहां पर चाइना से इम्पोर्ट की जाती है, और ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती बल्कि वहां पर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, वो भी इल्लीगल रूप से। एंड ये लकड़ी मिलती है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेरशाहचलम के जंगलों में एंड यहीं से ये पूरा धंधा ऑपरेट होता है। तो भाई इतनी जगहों पर होकर अगर लकड़ी जापान जाएगी तो वहां पर जाते जाते तो इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो भाई मे बी इसीलिए पुष्पा भाऊ अब डायरेक्ट इंडिया से जापान अपना माल भेजकर कई गुना पैसा कमाना चाहता है एंड इसीलिए वो जापान जाकर डील फिक्स करता है। वैसे फिर पुष्पा का इसमें डायलॉग भी तो है कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है। बाकी भाई इस सीन में ये नक्शे पर हाथ फेरने वाला बंदा पुष्पा ही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो इसकी सबसे छोटी फिंगर पर रेड नेल पॉलिश लगी हुई है एंड ये सेम चीज हम पुष्पा की उंगली पर भी देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर एपी यानी कि आंध्र प्रदेश जहाँ की जंगलों की ये कहानी है, तो एपी फॉरेस्ट रूट लिखा हुआ है, मतलब कि पुष्पा भाव यहाँ पर अपना माल चोरी छुपे निकालने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि भाई शेखावत सर अभी फुल मूड में है, जब से पुष्पा ने उनकी घनघोर बेइज्जती की है उनके माथे पे खून सवार है, तो भाई ये सब प्लानिंग उन्हीं के कारण हो रही है। बाकी इस सीन में नाइट में ये लकड़ी के ट्रक जा रहे हैं एंड इस सीन में शेखावत सर यहाँ पर फायर कर रहे हैं। अब भाई शेखावत अंकल एक्चुअल में इन्हीं ट्रक्स पर फायर कर रहे हैं क्योंकि इस सीन में ये यहाँ पर वही ट्रक फैले पड़े हैं जो इस सीन में यहाँ पर जा रहे हैं। तो भाई आई थिंक शेखावत की इसी रेट के बाद पुष्पा अपना डिलीवरी रूट बदल रहा है। तो इस सीन में कुछ गधों पर माल जा रहा है, अब हो सकता है कि पुष्पा भाऊ इन्हीं खच्चरों पर अपना माल जंगल पार कराते हों। तो इस सीन में ये कई सारे लोग यहाँ पर हैं एंड यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मतलब लाल चंदन नहीं है। अब भाई हो सकता है कि इन्होंने माल पुलिस के आने से पहले ही छुपा दिया हो। और इस सीन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जमीन के नीचे से माल निकाला जा रहा है एंड अगर आप इस जगह को देखोगे तो ये लगभग वही जगह है। अब भाई हो सकता है कि इस सीन में इन लोगों ने पुलिस के डर से जमीन में पुलिस के आने से पहले ही माल छुपाया हो एंड ये अब उसी माल को यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो भाई इस सीन में यहाँ इतना सारा पैसा है एंड ये सारा पैसा पुष्पा भाव का है, क्योंकि भाई एक तो वो अब इंटरनेशनल लेवल पर अपना माल बेच रहा है तो पैसा तो ज्यादा आएगा ही। बाकी यहाँ पर हम पुष्पा भाव की गाड़ी भी नोटिस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये पैसा और गोदाम उसी का है। सो इस सीन में ये जंगल के बीच कई सारे मकान पुष्पा भाव का ही गोदाम है, जहाँ पर कि ये वाला गोदाम भी है जहाँ ये पैसे हैं एंड यहीं पर पुष्पा भाव अपना सारा माल और पैसा रखते हैं। अब भाई ये पुष्पा का ही गोदाम है क्योंकि उसके ये फ्लेक्स हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। बाकी पार्ट 1 में भी ये लोग ऐसे ही जंगल के बीच में अपना गोदाम बनाते थे एंड भाई इस सीन में ये खजूर या मंदिर जैसे दिखने वाली इमारत जैसी जगह एक्चुअल में लाल चंदन ही है, लेकिन ये ऐसे क्यों जमा रखा है तो ये तो मेरे को नहीं पता। बाकी ये बंदा कौन है आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब वैसे ये जो कोई भी हो, लेकिन इस सीन में पुष्पा का ये हाल इसी बंदे के लोगों ने किया है या इसी बंदे ने किया है, क्योंकि भाई यहाँ पर पुष्पा भाऊ इस लुक में आते हैं लेकिन बाद में इस लुक में हमें दिखाई देते हैं एंड उनके हाथ में ये रस्सी भी बंधी हुई है। तो डेफिनेटली इसी बंदे के लोगों ने पुष्पा को बांध कर उसे ये साड़ी पहनाई होगी ताकि इस बंदे को अपनी बेइज्जती का बदला मिल सके। सो इस सीन में यहाँ पर किसी को लाल चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है एंड ये बंदा श्रीनु हो सकता है, क्योंकि भाई इस सीन में शेखावत श्रीनु को माल के साथ पकड़ता है एंड पुष्पा से इतना बेइज्जत होने के बाद अब वो इन सिंडिकेट वालों को जेल तक तो नहीं लेकर जाएगा, वो तो इनको बीच में ही ठोकेगा। वैसे भी शेखावत ऐसा ही बंदा है, पार्ट 1 में भी हम देख ही चुके हैं। तो भाई ये चीता श्रीनु की ही है एंड इसीलिए इतने सारे सिंडिकेट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसे लाल चंदन में जलाया जा रहा है। सो इस पुल वाले सीन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वही
गाड़ी है या वैसी ही गाड़ी है जिस पर कि पुष्पा इस वाले सीन में आता है। तो भाई हो सकता है कि शेखावत ने पुष्पा को इस सीन में यहाँ पर पकड़ लिया हो, बाकी ये ब्लास्ट शायद पुष्पा ही भागने के लिए करता हो या फिर शेखावत ही फ्यूल टैंक पर गन चलाता हो, ये भी हो सकता है। वैसे शेखावत अंकिल ने ये आर्मी की ड्रेस भी इसी सीन में यहाँ पर पहन रखी है क्योंकि पीछे की कार्स और ये कार्स सेम है। बाकी उन्होंने आर्मी की ड्रेस क्यों पहन रखी है तो ये तो मेरे को नहीं पता, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे भाई अगर आपने ध्यान दिया है तो इस पूरे ट्रेलर में हमें कई बार टेक्स्ट के पीछे ये डबल कुल्हाड़ी के लोगोस भी देखने को मिलते हैं एंड ये सेम चीज पुष्पा की कार पर भी है। अब भाई क्योंकि पुष्पा का कोई खानदान नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो इसीलिए उसने खुद को और खुद के काम को ही अपनी पहचान अपना ब्रांड बना लिया है। इसलिए हमें चारों तरफ उसी के साइन एंड लोगोस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये फ्लेक्स, ये कुल्हाड़ी और उसके हाथ का पंजा जिसे कि उसने अपना ब्रांड बताया था शेखावत सर को। बाकी भाई अब बात करते हैं सबसे कमाल डिटेल की। तो भाई पूरे ट्रेलर में हमें सोना ही सोना दिखाया गया है, या तो पीला कलर दिखाया गया है या सोना दिखाया गया है। मतलब इसके टेक्स्ट सोने के, पुष्पा की शर्ट सोने के, ये नाउस पीले कलर की, ऊपर से पुष्पा के पूरे शरीर पर सोना ही सोना। तो भाई हो सकता है कि अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है यानी पुष्पा पार्ट 3 तो उसमें लाल चंदन की जगह सोने पर फोकस किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा लाल चंदन से जो पैसा कमाता है वो उसे सोने में कन्वर्ट करके अपने पास रखे। बाकी आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज़।